अनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। कोरोना संकट के बीच लगातार सेवा देने वाले कोरोना योद्धाओं का स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए धार जिले के निसरपुर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना फाइटर का स्वास्थ्य परीक्षण किया, स्क्रीनिंग की और सभी योद्धाओं का स्वास्थ्य बेहतर बताया है। इसमें धार जिले के कोरोना फाइटर कुक्षी SDOP TI SI सहित मीडिया कर्मियों का सफल स्वास्थ्य परीक्षण संपन्न हुआ। स्वास्थ्य विभाग निसरपुर की टीम ने सभी की स्कैनिंग कर स्वास्थ्य को ठीक बताया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉक्टर अमित बड़बोले, गेंदालाल पाटीदार सहित समस्त स्टाफ वहां पर मौजूद था। एक जमात 40 साल का है, नर्मदा नगर निवासी है। इसके ऊपर हमला करने से जिसकी मृत्यु हो गई है, तो अभी पूछताछ चल रही है। मर्ग कायम किया गया है, थाना बलवान PM और इसका पूछताछ के आधार पर आरोपी के नाम पता करे जा रहे हैं। अभी शुरुआत में भी 3 लोग नाम आए हैं, मनसाराम, दिलीप, गणपत, और इनके आधार पे और बयान के आधार पर और आरोपी बढ़ने की संभावना है, जिनके ऊपर 302 का अपराध दर्ज किया जा रहा है। मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में प्रशासन ने लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यह हेल्पलाइन नंबर है 07427236 07। इसकी मदद से भानपुरा में रहने वाले मजदूर और अन्य लोग दूसरे राज्य से यहां आने के लिए सहायता ले सकते हैं। वहीं यहां फंसे दूसरे राज्य के मजदूर इसकी मदद लेकर अपने घर तक पहुँच सकते हैं। भानपुरा प्रशासन ने घर वापसी की सराहनीय पहल शुरू की है, जिसके अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। भानपुरा के बाहर फंसे हुए नागरिक जो भानपुरा के निवासी हैं, उनके लिए तथा जो कि बाहर के लोग भानपुरा में इस समय फंसे हुए हैं, इन दोनों के लिए ही हमने एक हेल्पलाइन नंबर 07427236 07 जारी किया है, जो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चालू है। फिलहाल 12 घंटे के लिए जारी किया है। अभी हमें 24 घंटे इस नंबर को ऑपरेट किए हुए हैं इस समय, और वर्तमान में हमारे पास दमन, केरल, गुजरात, उड़ीसा और राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ से अनेकों कॉल आ रहे हैं और लगभग 250 लोगों से इन पर्सन हमारा संपर्क हो चुका है। उनकी डिटेल्स को हमने नोट किया है और ये 250 लोगों के साथ में कुछ लोग हैं, तो एक संख्या लगभग 1000 लोगों की जानकारी इस समय हमारे पास एकत्रित हो चुकी है। लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस घर लाने के लिए राज्य सरकारें एकजुट हो गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से निपटने और इसको लेकर इंतजाम के लिए टीम 11 बनाई। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ एक बैठक की और फैसला लिया कि प्रवासी कामगार मजदूरों को किस तरह सुरक्षित अपने घर पहुँचाया जाए। साथ ही 10,000 बसों की उन्होंने व्यवस्था करने की घोषणा की है और उनके मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए 50,000 से अधिक मेडिकल टीम लगाने का भी उन्होंने इंतजाम किया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल यहां पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायलों का प्रयागराज के SRN हॉस्पिटल में इलाज अभी जारी है। धमाके के बाद लगी भयानक आग की जानकारी मिलते ही पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से फैक्ट्री में फंसे लोगों को बाहर निकाल लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रदेश की महिलाओं ने गुहार लगाते हुए शराब माफियाओं और शराब से मुक्ति दिलाने की बात कही है। साथ ही एक अनोखे अंदाज में उन्होंने वीडियो जारी किया और शिवराज मामा से एक महिला ने गुहार लगाई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं वह वीडियो। नमस्कार, मैं रूमा देवी सरकार से अनुरोध करती हूँ कि आज लॉकडाउन के साथ शराब की दुकानें खोलने का जो निर्णय लिया है, ये हम महिलाओं के लिए चिंताजनक है। इससे घरेलू हिंसा ज़्यादा बढ़ेगी। जिनके पास ठीक से घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, वो जाकर शराब पियेंगे और फिर घर में जाकर बीवी बच्चों, वो माँ बाप के साथ में लड़ाई झगड़ा, वो मारपीट करेंगे। एक आम महिला पर जो गुजरेगी, क्या उसकी चिंता सरकार करेगी? अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।